हे गाइस, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फेमिनिज्म। ये हमारी लिटरेरी थ्योरीज की सीरीज़ है और आज हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म को। तो सबसे पहले फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। असल बात ये कि आज तक इसकी डेफिनेशन पर स्टैंड कोई एक पॉइंट पे इकट्ठी हो नहीं सकी, क्योंकि हर जगह के मसाइल अलग हैं। इवन कि इसकी एरिया टू एरिया, क्रिटिक टू क्रिटिक इसकी डेफिनेशन वेरी करती है। हर किसी के माइंड में इसका अपना कॉन्सेप्ट है और उसके हिसाब से इस पर चलता है। बेसिकली है तो ये औरतों के हकूक ना, कि औरतों ने अपने हकूक हासिल करने जो कि उनको मैसर नहीं थे। इवन कि अभी भी इस दौर में भी अगर देखा जाए तो औरतों को उनके हकूक पूरी तरह नहीं मिल रहे। तो सबसे पहली जो फेमिनिस्ट या क्रिटिक आप कह सकते हैं वो है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। उन्होंने एक बुक लिखी, अ विंडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ये कैसे घर में पैदा हुई जहाँ पे ये पहले ही देख रही थी कि इनके अम्मा और इनकी जो माँ वालिद वालिदा हैं उनके दरमियान एक तजाद है। जो वालिद है उनके पास वो राइट्स नहीं है जो वालिद के पास है। अगर आप देखें तो इस दौर में जो औरत है उसको अगर प्रॉपर्टी मिलती थी, प्रॉपर्टी उसको कैसे मिलती थी? जो बाप है पहले बाप के पास रहती थी, अगर फिर भाई है तो भाई के पास रहती थी, और उसके बाद शोहर के पास चली जाती थी। औरत के पास कभी प्रॉपर्टी नहीं आती थी। औरत को शादी करनी पड़ती थी अपना सोशल स्टेटस सेट करने के लिए। तो इन्होंने इस बात पे सवाल उठाया कि वाई आर वुमेन नॉट गिवन राइट प्लेस इन सोसाइटी। उनको अब उनके राइट्स क्यों नहीं मिल रहे? वाई आर दे साइडलाइन एंड मार्जिनलाइज्ड? उसके बाद जो हमारे पास दूसरी क्रिटिक या आप कह सकते हैं फेमिनिस्ट आती हैं वो है वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने एक बुक लिखी, अ रूम ऑफ वंस ऑन। इस रूम से मुराद दो किस्म के रूम हैं। पहला रूम तो ये है कि एक फिजिकल रूम जिसके अंदर औरत बैठ के कुछ सोच सके, अपने हिसाब से लिटरेचर को लिख सके। और दूसरा रूम है औरत का सोसाइटी के अंदर मकाम, कि औरत को किस तरह का मुकाम दिया गया है सोसाइटी के अंदर। उन्होंने शेक्सपियर की सिस्टर से इस चीज़ को प्रूव किया कि औरतों को कभी भी वो मुकाम नहीं मिल सकता जो मर्द को मिलता है। बेशक वो शेक्सपियर की सिस्टर बिल्कुल उसी की तरह इंटेलेक्चुअल हो, उसी तरह की चीज़ें लिखे, लेकिन फिर भी उसको वो फेम नहीं मिल सकता जो कि शेक्सपियर को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर की बेसिस पे। अब इसकी स्टोरी ये थी, उन्होंने एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट की। ये रियल स्टोरी नहीं है, एक इमेजिनरी स्टोरी है कि एक शेक्सपियर की सिस्टर है और वो एक्टर बनना चाहती थी, वो टैलेंटेड थी, सब कुछ था, लेकिन उसके घर वालों ने पहले उसको फोर्स किया कि नहीं तुम्हारी शादी होनी चाहिए, क्योंकि उस दौर में शादी ही सब कुछ था। उसने कहा मैंने शादी नहीं करनी, वो घर से भाग गई। घर से भाग के वो किसी प्रोड्यूसर या आप कह सकते हैं मैनेजर के पास आई। उसने आके उनसे पूछा कि उसने आके उसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें रोल दूंगा। उस दौर में अलाउ नहीं था औरतों को एक्टिंग में आना। उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें रोल दूंगा, तुम पहले मेरे साथ रात गुजारो। उसने, क्योंकि वापस जा नहीं सकती थी, घर छोड़ के भाग चुकी थी, उसने उसके साथ रात गुजार दी। उसने उसको कोई रोल नहीं दिया। इवेंचुअली वो प्रेग्नेंट हो गई और आखिरकार उसको सुसाइड करनी पड़ी। तो उसने ये चीज़ प्रूफ की कि औरत को कभी भी इस सोसाइटी में वो मुकाम नहीं मिल सकता जो मर्द को मिलता है। उस दौर में अगर आप देखें, अगर आप पुराने दौर में चले जाएं, तो वुमेन जो थी वो अपने नाम तक से नहीं लिखती थी। जो जॉर्ज इलियट मैरी एन इवंस का पेन नेम है। और अगर आप पोप का ट्रीटमेंट देख लें वुमेन की तरफ, तो अगर आप में से किसी ने रेप ऑफ लॉक पढ़ी है या आप उसकी समरी जाके देखें, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि बार बार वो औरत को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ये विटलेस है। कि वो स्क्रीन में जब जाते हैं तब वो बार बार ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि औरतें जो हैं वो ड्रामे करती हैं जी, ये जोड़े सिर्फ जोड़े दिखाने के लिए अपने बीमारी का बहाना कर रही हैं ताकि लोग इनसे मिलने आए और वो इनके जोड़े देखें। और कसूर लड़के का है, उसने लड़की के बाल काटे हैं, लेकिन स्टिल पूरी की पूरी पोईम में जो पोप है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना लिया उसने। उसने कहीं ये नहीं कहा कि लड़के की गलती है, लेकिन बार बार ये बात बोली जा रहा है कि लड़की बहुत बतंगड़ बना रही है। जो तीसरी हमारे पास आती हैं क्रिटिक वो है एलिन शॉल्टर। उन्होंने हिस्ट्री को तीन फेजेस में डिवाइड किया। पहला है फेमिनिन फेस। इसके अंदर औरतें बिल्कुल खामोश रहीं, उन्होंने अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। फीमेल ऑथर जो थी वो मैंने जैसे पहले बताया कि वो पेन नेम से लिखती थी, जॉर्ज इलियट मैरी एन इवंस जो थी वो जॉर्ज इलियट के पेन नेम पे लिखती थी, और जो शार्लेट ब्रॉन्टे थी वो करीबेल्स के नाम से लिखती थी। आप कह सकते हैं कि मैन को इमिटेट करके उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था, क्योंकि अगर वो अपना लिटरेचर देती भी थी तो वो बिकता या नहीं था या उसको कोई ख़रीदता नहीं था, इवन कि कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था उसको पब्लिश करने के लिए। दूसरा जो है वो फेमिनिस्ट फेज है। उसके अंदर उनको लगा कि कुछ गलत है उनके बारे में, और मेल डोमिनेंसी उनको और फील होना शुरू की, तो उन्होंने अपने राइट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू किया, उसको एक्नॉलेज करना शुरू किया। और इसके अंदर वुमेन को उनके वोटिंग का राइट मिल गया था। और तीसरा है फीमेल फेस। इसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपने राइट्स के बारे में लिखना शुरू किया कि क्यों ऐसा है कि लिटरेचर के अंदर मैन जो है वो अपनी मर्जी से वुमेन को डिपिक्ट कर रहा है जैसा उसका दिल करता है। कभी वो उसको टेम्प्टर्स डिपिक्ट कर देता है, कभी ईवल डिपिक्ट करते हैं, कभी उसको बहुत ही मीक और सॉफ्ट किस्म का डिपिक्ट करते हैं। वुमेन ऐसी नहीं है, वुमेन अलग फेमी है। तो उन्होंने इस चीज़ पर राइट्स पर आवाज़ उठाना शुरू की खुल्लम खुल्ला। और ये जो फीमेल फेस है ये हमारा कॉन्टेम्प्रेरी फेस भी है।
उसके बाद आती हैं सैंड्रा गिलबर्ट एंड सूजन कूपर। इन्होंने एक बुक लिखी मैड वुमेन इन एटिक। तो ये बुक बेसिकली इंस्पायर्ड है जेन एयर, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर एक करेक्टर है बर्था मेसन, या आप करेक्टर निकाल के भी देख सकते हैं। तो वो मैड थी और उसका जो शोहर था उसने उसको एटिक में बंद कर दिया था। उस लड़की के पास बहुत प्रॉपर्टी थी और उसके शोहर को उससे कोई प्यार नहीं था, कोई उसका वास्ता नहीं था, तो उसने उसको एटिक में बंद कर दिया था। तो वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने बुक लिखी थी और इसमें इन्होंने दो टाइप की जो वुमेन है वो डिस्क्राइब की। पहली वो जो कि क्लासिकल राइटर्स लिखते हैं, पहली वो जो एंजल्स हैं विदाउट लॉस। अगर आप ओथेलो में आए तो डेस्टिमोना का करेक्टर बिल्कुल एंजल्स वाला करेक्टर है। वो उसको मार रहा है लेकिन वो उसको बता नहीं रही कि हाँ भाई क्या है, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही, वो एंजल्स की तरह ऐसे है कि हाँ मैं लॉयल थी बस मर गई। और दूसरी है मैड वुमेन, जिन्होंने अपनी थोड़ी आवाज़ उठाई है। इसमें आप बर्था मेसन का ही करेक्टर दोबारा देख सकते हैं कि उसको एटिक में बंद कर दिया पकड़ के। जो आखिरी हमारे पास क्रिटिक हैं वो हैं रोबिन लेकोफ। इन्होंने क्वेश्चन किया मेल और फीमेल डिफरेंसेस, मतलब जो वॉइसेस जो है, बात करने का तरीका, लैंग्वेज एक्सपेक्टेशंस है, वो सोसाइटी दोनों से अलग अलग क्यों रखती है। जो मेन है वो अगर कर्सिव लैंग्वेज बोलते हैं इट इज़ फाइन, अगर वुमेन कर्सिव लैंग्वेज बोलती है इट इज़ नॉट फाइन। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं देती हूँ जिसे आप सारे फेमिलियर हो गए, आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर मर्द है वो सिगरेट पीता है तो उसके फेफड़े ख़राब होंगे, अगर औरत सिगरेट पीती है तो उसका किरदार ख़राब होगा। ठीक है, वही बात को अगर आप लैंग्वेज के अंदर ले आएँ कि अगर मर्द है वो जैसी मर्जी लैंग्वेज, वो एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करता है तो वो मर्द है भाई। ठीक है, अगर औरत यूज़ करती है तो ये किस तरह से बात करती है, इसका तमीज़ नहीं है। तो उसने क्वेश्चन उठाया कि why the society is expecting different language from both male and female. उसके बाद फेमिनिज्म को अप्लाई कैसे करना है लिटरेचर पे, हमने देखना यह है कि मैन और वुमेन के पास सेम पावर है। जैसे आप ओथेलो और डेस्टिमोना को देख लें, क्या उनके अंदर पावर सेम पावर थी उन दोनों के पास। उसके बाद दोनों को कितना रोल मिला है, एक मैन है उसको कितना रोल मिला है, एक वुमेन है उसको कितना रोल मिला है। अब इसके अंदर अगर आप देख लें ईडीपस की एग्जांपल, तो जो मेल है और फीमेल, जो जोगेस्टा थी और जो ईडीपस था, दोनों के साथ ट्रेजेडी एक ही हुई है, बिल्कुल सेम ट्रेजेडी है, लेकिन मेल को कितना रोल मिला है और फीमेल को कितना रोल मिला है। फिर एक्सपीरियंस ऑफ फीमेल इज सेम एज मेल। अब इसमें आप एग्जाम्पल देख लें ओथेलो की, जो टेस्टिमोना थी, एक जो मेल है, मेल को कभी डिसलॉयल होने की वजह से मारा जा सकता है लेकिन फीमेल को मारा जा सकता है, तो दोनों के एक्सपीरियंस सेम तो ना हुए। फिर लिटरेचर में वही चीज़ आ गई कि आपने इक्वालिटी चेक करनी है, उन दोनों का स्क्रीन टाइम चेक करना है, उनके रोल्स चेक करने हैं, ये सारी चीज़ें देख के हमने इसको अप्लाई करना है लिटरेचर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।